गाइस ये देखिए हमने कट लगा लिए हैं, अब हम इसे ओपन कर लेंगे। हमने एक पीस ओपन कर लिया है, अब हम सेकंड पीस ओपन करेंगे, अब हम लास्ट पीस ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा पीस ओपन हो गया है, अब हम इसमें जो मोटा मोटा है उसमें कट लगाएंगे। ये देखिए गाइस हमने कट्स लगा लिए हैं, अब हम इसमें सेंटर से रेड कलर करेंगे, लाइंस लगाने से रेड कलर अपने आप हो जाएगा। गाइस जब ये वो बन जाएगा ना बहुत सुंदर लगेगा, लग रहा है ना सुंदर, ऐसे ही हम बहुत सारे बना लेंगे। ये देखिए हमने बना लिए हैं, अब हम एक कार्डबोर्ड का गोल कलर का पीस लेंगे और उनमें ये लगा देंगे। हमने ये लगा रहे हैं, इतने में आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए मैं फटाफट लगा देता हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए गाइस हमने लगा दिए हैं, अब हम इनको सेट कर लेंगे और गम के साथ पेस्ट कर लेंगे। ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए हमने गम के साथ पेस्ट कर लिए हैं, अब हम इसको साइड में कर देंगे और एक पेपर शीट लेंगे, उसे हम एक पेपर शीट बनाएंगे। ये देखिए गाइस हमने पेपर शीट बना ली है, अब हम इसे गम के साथ पेस्ट कर लेंगे। अब ऐसे ही पेपर शीट हम बहुत सारी बना लेंगे। ये देखिए हमने इतनी सारी पेपर शीट बना ली है, अब हम अपने सर्कल को वापस लेंगे और उसके पीछे अपने स्टिक्स को लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे। ये देखिए गाइस हमने इसको पेस्ट कर लिया है। गाइस अब हम इसके नीचे भी तीन स्टिक्स लगाएंगे और उनके नीचे फ्लावर लगा देंगे। याद रखना उनमें हम सेंटर में अलग अलग कलर्स करेंगे। ये हम तीनों स्टिक्स में करेंगे। अब हम अपना सर्कल लेंगे और उसके सेंटर में फ्लावर्स लगा देंगे। अब हम लास्ट फ्लावर्स लगाएंगे। ये देखिए गाइस हमने फ्लावर्स लगा लिए हैं और हमारा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार है। अब हम इसको आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारा प्यारा सा वॉल हैंगिंग, लग रहा है ना बढ़िया। इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।